नमस्कार, जय शर्मा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच पारद शिवलिंग की स्थापना घर पे कैसे करें, कैसे रखना चाहिए पारद शिवलिंग, क्या है इसके बेनिफिट और पारद शिवलिंग के ऊपर क्या क्या चढ़ा सकते हैं, क्या क्या नहीं चढ़ा सकते हैं, इसके साथ साथ जानेंगे किस दिन पारद शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने से और किस सामग्री से अभिषेक करने से लक्ष्मी जी की विशेष अनुकंपा प्राप्त हो सकती है, शिव जी की विशेष अनुकंपा प्राप्त हो सकती है, ऐसी तमाम जानकारियां हम इस वीडियो के माध्यम से आज हम बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको सही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सके। सबसे पहले बात करेंगे पारद शिवलिंग का निर्माण कैसे हो या पारद शिवलिंग की पहचान कैसे करें, क्या है पारद शिवलिंग। देखिए, पारद का तात्पर्य है पारा, पारद को रसराज कहा जाता है और इसे आपने अक्सर देखा होगा थर्मामीटर के अंदर थोड़ा सा वो व्हाइट पदार्थ होता है, धातु होता है, वही पारा है जिससे यह पारद शिवलिंग का निर्माण होता है। इसके निर्माण की क्रिया बहुत ही जटिल है और बहुत ही जटिल प्रक्रिया के द्वारा पारद शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। शास्त्रों में सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ जो है धातु पारा को बताया गया, यानी कि पारद शिवलिंग से अभिषेक करने से शीघ्र ही लक्ष्मी जी की अनुकंपा बरसती है और भगवान शिव की अनुकंपा प्राप्त होती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बस इनकी सही विधि व्यक्ति को पता होनी चाहिए। पारद शिवलिंग वह शिवलिंग है जो व्यक्ति को चुंबक की तरह अपने पास खींचता है, धन को चुंबक की तरह अपने पास खींचता है, इतना पावर माना गया। तो सबसे पहले जानेंगे कि पारद शिवलिंग को किस दिशा में स्थापित करना चाहिए। सर्वप्रथम शिवलिंग को सफेद कपड़े का आसन रख करके श्वेत या पीताम्बर पीला कपड़ा बिछा करके और उसके ऊपर पारद शिवलिंग को स्थापित करें। स्वयं पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के इनकी पूजन की तैयारी करें। अब बात करेंगे पारद शिवलिंग का जो अर्घा होता है वो किधर होगा, वो उत्तर की तरफ होना चाहिए, जो अर्घा है वह उत्तराभिमुख होना चाहिए। दूसरा, जब आप पारद शिवलिंग को स्थापित करने के लिए घर में विराजमान हो तो उस समय आपके पास गंगा जल दूध पंचामृत रोली हल्दी और चंदन पास रखे, सुगंधित पुष्प पास रखे, सुगंधित इत्र पास में रखे, भांग धतूरा बिल्वपत्र धूप दीप नैवेद्य यह सब एकाग्रित करके अपने पास रखे। स्वयं हो लें, स्वच्छ आसन पे बैठ जाए और भगवान शिव की स्तुति के द्वारा उनकी प्रार्थना उनसे यह आग्रह करें, हे प्रभु बड़े ही निष्ठा और श्रद्धा भक्ति से मैं आपका पूजन पाठ करूंगा, आप प्रसन्न होइए और अपनी अनुकंपा हमारे और हमारे परिवार के ऊपर पूरा पूजिए, ऐसा भाव रखिए। सबसे पहले भगवान के जिस प्रकार की स्तुति आपको याद हो शिव जी की, उस स्तुति से उनका ध्यान कीजिए। कोई भी स्तुति नहीं आपको याद नहीं आती हो, नहीं याद है, तो शिव जी के सबसे बड़े और सबसे महामंत्र कहा गया है ओम नमः शिवाय, यानी पंचाक्षर मंत्र कहते हैं, ओम नमः शिवाय को षडाक्षर मंत्र कहते हैं। इस महामंत्र से भगवान शिव को बिल्वपत्र आदि के द्वारा ध्यान करें, उसके पश्चात आप जो है उनको गंगा जल से स्नान कराएं, तत्पश्चात जल से स्नान कराएं और फिर पंचामृत से स्नान करा के जल से स्नान करें। उसके बाद भगवान को वस्त्र पहनाएं कलावे का, या अगर आप चाहें तो वस्त्र भी आप उनका बना सकते हैं और अर्घ्य को अच्छे से पूरा वस्त्र से करें, जनेऊ पहनाएं यज्ञोपवीत और फिर उसके बाद से भगवान का श्रृंगार करें, भस्म आदि से उनका श्रृंगार करें, अष्टगंध से भस्म से चंदन से उनका श्रृंगार करके अक्षत और पुष्प उनको अर्पण करें, फिर दुर्वा बिल्वपत्र भांग धतूरा अर्क पुष्प अर्क फल इस प्रकार के तमाम प्रिय वस्तुओं से भगवान का श्रृंगार करें और धूप दीप नैवेद्य के साथ प्रार्थना करें। पूजन प्रारंभ करने से पूर्व आपको भगवान शिव के उत्तर दिशा में घी का एक दो दिशा लेना चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जब भी कुछ पूजन पाठ करें दान उपदान करें तो गौ अग्नि ब्राह्मण साक्षात मांगे, इनका ध्यान करें, सूर्य को अपना ध्यान करें, साक्षी बने। ऐसा करने से आपका जो पुण्य है वह अर्जित रहेगा, लंबे समय तक वह आपको पुण्य देगा। उत्तर दिशा में घी का दूध जला लेंगे जो कि दीवे के नीचे चावल या गेहूं रखेंगे। इस प्रकार से भगवान शिव की पूजन अर्चन करेंगे, तत्पश्चात धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्य पर भगवान से क्षमा याचना करेंगे, प्रभु मेरे द्वारा आपकी भक्ति में आपके पूजन में आपके अनुष्ठान में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए हम आपसे बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। इस प्रकार से भगवान से क्षमा याचना करके और उसके बाद शिव जी के स्त्रोत्र व मंत्रों का पाठ फिर आरती कर ले। दूसरा, इनको घर में रखेंगे कैसे, तो पारद शिवलिंग को अपने घर में मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में पूर्व व उत्तर दिशा के तरफ रखना उत्तम माना गया है। और जिस जो व्यक्ति पारद शिवलिंग के पास नित्य 108 बार ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जप करता है या महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है तो धीरे धीरे वह ऊर्जावान हो जाता है, वह तो जो उठना है वह शिवलिंग है वह जागृत अवस्था में जाती है और जागृत होने पर वह अपना विशेष जो है
सकारात्मक ऊर्जा उस परिवार उस स्थान पे जो है छोड़ने लगे। दूसरा, अब हम बात करेंगे कि पार्वत शिवलिंग के ऊपर किस वस्तु से अभिषेक करने से भगवान शिव और माँ लक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्त हो सकती है और किस दिन करने से। तो देखिए, भगवान शिव को प्रिय है शिवरात्रि व प्रदोष। प्रदोष के दिन व शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पंचोपचार व षोडशोपचार पूजन करके और शिव महिम्न स्त्रोत्र से गन्ने के रस से या शहर के द्वारा अभिषेक करता, सिर्फ शिव महिम्न स्त्रोत्र के द्वारा, उस शिव महिम्न स्त्रोत्र के द्वारा ही अभिषेक करने मात्र से, और यह प्रक्रिया अगर गोधली वेला में हो या ब्रह्म मुहूर्त में हो तो इसका चमत्कार बहुत शीघ्र आपको देखने को मिलेगा। तो जो व्यक्ति गोधली वेला में या ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करता अभिषेक करता है वह उत्तम। वैसे शिवजी की प्रदोष व शिवरात्रि दिन गोधली वेला में पूजन करना विशेष महत्वदायी है। नित्य आप चाहे तो प्रातः वेला ब्रह्म मुहूर्त में करें, लेकिन अगर आप महीने में 4 दिन करना हो तो दोनों पक्षों के शिवरात्रि और दोनों ही प्रदोष और शिवरात्रि दोनों ही दिन आप करें अच्छा रहेगा। इससे शीघ्र आपको लक्ष्मी जी की अनुकंपा प्राप्त। तो इस विधि पूर्वक जो व्यक्ति शिव महिम्न स्तोत्र के द्वारा अभिषेक करते हैं वा कराते हैं, मैं पूर्णतः विश्वास से कहता हूं उसके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। वह व्यक्ति कभी मान सम्मान के लिए तरसेगा नहीं और किसी प्रकार के रोग उसके घर में जो है दस्तक नहीं देगा। इस प्रकार से जो भगवान शिव का पूजन करेगा निश्चय उसके जीवन में हर एक प्रकार का सुख मिलेगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपना पुनः विदाई देता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।